शीलू मेकओवर के सेशन के बाद मुझसे ज्यादा सोनी लगने लगी तो एलकी जी का ध्यान तो जरूर पटक जाना है। हाँ जी पापा जी कुछ करो, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी एलकी जी को मेरी जैसी सोनी संस्कारी और शर्मीली कुड़ी और कहीं मिलने भी नहीं वाली। हाँ जी पापा जी कुछ करो ना, ये काम करते बाबा जी। मैं ना इस बर्तन को नीचे गिराऊंगी, अगर इस बर्तन की गिरने की जोर की आवाज आई तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे इशारा कर रहे हो कि मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ जी ट्राई करते हैं। एक ते दो ते तीन। बाबा जी मैं आपका इशारा समझ गई। डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी डिंकी चिकी। मोहित दास बड़ा फटक रहा था ना मेरे एलकेजी के पास। ऐसी जुगत लगाऊंगी कि बीजे के पास भी खड़ा होने लायक रहेगा नहीं। मोहित दास बना दूंगी तुझे पेड़ से कांस। शीलू तू तो गई, शीलू तू तो। हाय हाय एलके, हाय मोहित दास, हुस्न का जादूगर खास, आओ ना पास जल्दी। अबे ये क्या किया? ओए एलके, ओए तू भी आ गया मेरी खूबसूरती देखने के लिए, तुझसे रहा नहीं क्या होगा? बस बीजी क्या बताऊं, आप कितनी सुंदर लग रही हो। सच्ची मेरे को तेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं खुद देख लेती हूँ। नहीं क्यों? अरे बीजी आप इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हो कि अगर आप अपनी आंखें खोल के अपने आप को देख लोगी ना तो आपकी खुद की नजर आपको लग जाएगी। ओए लेकिन मेरे से सबर नहीं हो रहा। नहीं नहीं बीजी अभी मत खोलना, मुहूर्त सही मुहूर्त पे आंखें खोलना आधे घंटे बाद। हाय रब्बा आधा घंटा क्यों, उसमें क्या होएगा? उससे ये होगा बीजी कि आधे घंटे बाद जो मुहूर्त है ना उसमें जो भी अपनी आंखें खोलता है उसकी बेटी के लिए उसे मनचाहा वर मिल जाता है।